समस्त सल्लित का मेरा नमस्तु। उपस्थित श्रद्धालु भाई और बहनों, जय जिनेंद्र। बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे आज पाषण से भगवान बनने के महान उत्सव पंच कल्याण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मौका मिला। अभी कुछ दिन पहले ही पर्युषण मेले पर शावक संस्कार शिविर में गुरुदेव का दर्शन करने का मौका इस स्थान पर मिला था। आज जब मैं इस स्थान पर आया तो मैंने पाया कि जहां भी गुरुदेव पहुंचते हैं वो तीर्थ स्थल तो होता ही है, लेकिन उस तीर्थ स्थल के अंदर एक भव्य मंदिर हो, सामाजिक सेवाएं, समाज कल्याण के लिए स्कूल हो, धर्मशाला हो, गौशाला हो, तमाम ऐसे प्रकल्प गुरुदेव जहां भी आते हैं समाज को समर्पण करते हैं। मुझे हमेशा गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहता है और जब भी मैं उनके चरणों में आता हूं नई ऊर्जा मिलती है, नई स्फूर्ति मिलती है, नई शक्ति मिलती है समाज की सेवा और समर्पण के लिए, क्योंकि गुरुदेव के चरणों में जो भी व्यक्ति आता है उसको तप तपस्या और समर्पण की नई ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए जब जब भी किसी भी संत के चरणों में आप जाएंगे तो आपको उन संतों के तप और त्याग की ऊर्जा आपको भी प्राप्त होती है। गुरुदेव जहां भी गए, जिस स्थान पर भी गए, मैंने देखा गुरुदेव ने उस मंदिर का भव्य निर्माण ही नहीं कराया, उन्होंने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, इसके लिए शिक्षा के मंदिर, छात्रावास, निरोगी समाज रहे, इसके लिए अस्पताल, हर भूखे को भोजन मिले, क्या बात है, इसके लिए प्रसादम, हर प्यासे को पानी मिले, उसके लिए प्याव, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सके। और गुरुदेव का हमेशा शाश्वत यही रहता है कि हम किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करें। कल्याण केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, कल्याण उसके जीवन के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की जो दिशा मिलती है वही व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करती है और वही व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करती है। क्योंकि भौतिक संसाधनों के इस बढ़ते प्रभाव को अगर रोकना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जीवन में जलानी पड़ेगी।
और जब भी व्यक्ति अंतिम पड़ाव में होता है तो वही सोचता है, मैंने इस समाज के अंदर क्या दिया, क्या मेरा समर्पण रहा, ये उसके मन में विचार आता है। और ये विचार गुरुदेव शुरू से ही कोशिश करते हैं कि उसके अंतिम पड़ाव की जगह उसके बाल्यकाल में विचार आए, ये संस्कार आए। इसके लिए हमेशा गुरुदेव का आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलता रहता है। भगवान महावीर ने यही शिक्षा हमें दी थी और आज हजारों वर्षों बाद भी इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर अहिंसा शांति सारे विश्व की आज बात करते हैं। सारे विश्व में जब चर्चा चलती है कि किस तरीके से अगर हमें हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाना है, खुशहाली की ओर ले जाना है, तो हमें विश्व में शांति व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व के अंदर अशांति होगी, आपस में एक दूसरे देश विरोधी गतिविधियां करने का काम करेंगे, तो हमें सैन्य शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, हमारी परमाणु शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होगा। अगर इसी तरीके से विश्व में शांति होगी, जो भगवान महावीर ने कहा था कि अगर इस विश्व का कल्याण करना है तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा, हमें शांति के मार्ग पर चलना होगा। और ये दिशा अब विश्व में बनने लगी है। मैं भी जब हमारे संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन में जाता हूं तो सब जगह एक ही चर्चा रहती है कि किस तरीके से अपने अपने देश लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत करते हुए अपने देश की जनकल्याण योजनाओं के माध्यम से उस देश के अंदर व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, तो वह तभी संभव हो सकता है कि जब अपने अपने देश के अंदर शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो और अहिंसा का वातावरण। आज यही दिशा हम सबको सत्य प्रतीत होती है। मैं बता सकता हूं कि गुरुदेव के कितने स्थान हैं जहां गुरुदेव ने पुनरुद्धार किया, ऐसी ऐसी जगह जहां छोटे छोटे मंदिर होते थे, मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते थे, वहां भी गुरुदेव ने पुरातत्व संरक्षण का काम किया। जय हो जय हो। गुरुदेव हमेशा पुरातत्व संरक्षण और प्रकृति के प्रेमी रहे, क्योंकि अगर हम प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे, मानव अगर प्रकृति का दोहन करेगा तो हम विनाश के रास्ते की ओर जाएंगे। इसलिए गुरुदेव हमेशा पुरातत्व संरक्षण का काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां पुरातत्व संरक्षण के रूप में संरक्षित करने का काम गुरुदेव ने की है। जय हो जय हो। और आज भी उनका विचार ये रहता है कि मुझे सरकार अगर ये अधिकार दे तो मैं देश की कई पुरातत्व संरक्षण संपदा को वापस देश के लिए देने का काम कर सकता। प्रकृति से उनका विशेष प्रेम है और प्रकृति से तो भगवान महावीर ने तो कहा है कि जीव नहीं, संपूर्ण जीवों की रक्षा करना ये जैन दर्शन का विचार होता है। और आज दुनिया में आप चले जाओ तो दुनिया के अंदर कहीं जाओगे, आप कहोगे तो कौन सा भोजन करना है, तो उन्होंने कहा जैन भोजन करना है। क्या बात है, क्या बात। तो ये जैन भोजन जो है
ये हमारे पेट की तृप्ति को तो पूरा करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ भोजन के साथ व्यक्ति के संस्कार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, मन शुद्धि होती है, इसलिए भी जैन भोजन का उपयोग करते हैं। और हमारे यहाँ तो विश्व के अंदर जब कई लोग देश के बाहर जाते हैं तो उस देश में सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ जैन भोजन मिलता है नहीं मिलता। तो जैन भोजन मतलब भारतीय संस्कृति का भोजन, और इसीलिए आज पुनः गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद हमेशा इसी तरीके से मिलता रहे और वह इसी तरीके से संपूर्ण समाज के अंदर जन कल्याण करते हुए, व्यक्ति निर्माण करते हुए, व्यक्ति को सही दिशा दिखाने का काम करें और हजारों लाखों लोगों को गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने ये दिशा दिखाई है। जय हो, जय हो। हम उनके चरणों को प्रणाम करता हूं और मानव जाति के इस कल्याण के लिए उनके प्रयासों को संपूर्ण समाज हमेशा याद रखेगा। उनके विचार, उनके आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति, वो चाहे बिजोलिया बैठे हों, चाहे आवाम में हो, चाहे हमारे छोटे से गांव के अंदर बूंदी के पास वहां पर सिलोर में हो, चांदखेड़ी में हो, हमारे प्रभुलाल जी सैनी साहब बैठे हैं, वो तो उनके परम भक्त हैं, तो तमाम आज हमारे साथ टोंक जहां पर आमा का भव्य मंदिर महाराज जी के प्रयासों से बना, वो कहीं भी रहे लेकिन उनके आध्यात्मिक ज्ञान और विचार का है। ये ज्योति हर समाज के हर वर्ग के अंधारे में से उजाले का काम करेगी। और मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके आचार, आपके विचार, आपका जीवन, आपका आध्यात्मिक ज्ञान समाज के हर क्षेत्र में फैले और समाज को नई राह मिले। पुनः गुरुदेव उनके सभी संघ को नमस्तु करता हूं। आप सबको जय जिनेंद्र।